पीएम मोदी ने लगाई आस्था के नाम की डुबकी, जलमग्न द्वारका के किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां उन्होंने गहरे समुद्र में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने से पहले उनकी कमर पर मोर के पंख भी बंधे थे और इस दौरान पीएम ने उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका शहर है। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के ही राजा थे। पीएम ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देवभूमि द्वारका में ओखा और बेट द्वारका के बीच 4 लेन के केबल आधारित पुल का उद्घाटन भी किया। द्वारका में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बने सुदर्शन सेतु का लोकार्पण हुआ। बता दें, यह करीब 2.32 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। वहीं आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आखिर केबल ब्रिज बनने से क्या फायदा होगा? केबल ब्रिज बनने से ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत लगी है। पुल का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, पीएम ने राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन भी किया। वहीं यूपी के रायबरेली, पंजाब के भटिंडा, आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में भी एम्स का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी ने 1056 करोड़ की लागत से तैयार राजकोट और सुरेंद्र नगर रेलवे डबल ट्रैक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भगवान कृष्ण ने मेरे ही हाथों सेतु का निर्माण लिखा था। पीएम ने कहा, पुरानी बात याद आती है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, सदियों पहले यहाँ से दुनिया भर में सामान जाता था। यहाँ खूब गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलती थी। सेतु बनने के बाद फिर से एक और ओखा दुनिया के नक्शे पर चमक गया है। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। पीएम ने कहा, यात्रियों को परेशानी होती थी, समुद्र का मिजाज बिगड़ने पर बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। जब भी यहाँ के साथी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की ही बात करते थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे यह काम करना है। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मैं तब की कांग्रेस सरकार के सामने ब्रिज बनाने की बार बार बात करता था, लेकिन कभी इस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। इस सेतु का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही हाथों लिखा था।